आज आपके लिए एक बजट गेमिंग नेकबैंड लेके आया हूं मात्र 500 रुपए का, दैट इज इक्वेटर गेमिंग नेकबैंड। इसका प्राइसिंग 500 रुपीज से प्राइस पॉइंट के थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कम प्राइस पॉइंट में भी इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। सारे के सारे मैंने लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं उसका करंट प्राइस। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको लंबा चौड़ा मोटा सा आपको बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मैग्नेटिक प्ले पॉज का ऑप्शन दिया गया है। भाई इस प्राइस पॉइंट में कोई दूसरा नेकबैंड मेरे हिसाब से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। सारी हम टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, बिल्ड कैसी है, म्यूजिक बेस कॉलिंग गेमिंग टेस्ट करेंगे, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा एंड तक पहुंचते पहुंचते कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं, और 500 रुपए के हिसाब से ये कितना जस्टिफाई करता है। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको इक्वेटर गेमिंग नेकबैंड का ऐसे बल्की सा आपको बड़ा सा बॉक्स मिलने वाला है, एंड बॉक्स के बैक साइड में ऐसे काफी फीचर्स मेंशन है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सारी डिटेलिंग चेक करने वाले इस वीडियो में आगे। एंड बॉक्स के अंदर हम कंटेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे एक यूजर मैनुअल, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, बटन कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, अगर आप चाहे तो उसको रीड आउट कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें आपको 6 मंथ्स की ब्रांड वारंटी मिलने वाली है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही में एक टाइप सी का चार्जिंग केबल मिलेगा, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है यार, बहुत ही कम प्राइस पॉइंट में आपको टाइप सी का केबल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरटिप्स मिल जाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से, इनको भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग, और आप साफ साफ देख के बोल सकते हैं लुक एंड फील जो दिया गया है गेमिंग नेकबैंड का ही प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको RGB लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, काफी अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर जो प्लास्टिक क्वालिटी है अच्छी आपको मेंटेन की गई है, ताकि जो अंदर वायर है उसको कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छी आपको स्टडी क्वालिटी दी गई है प्लास्टिक की यहाँ पे। और इस साइड आपको मिल जाएंगे सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन्स, कैसे एग्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिटेलिंग में चेक करने वाले हैं। और साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से आप प्लग इन प्ले करके नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। एंड दूसरे साइड पे यहाँ पे आपको ऐसा कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है, सिंपली यहाँ पे आपको इक्वेटर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड जो प्लास्टिक क्वालिटी है आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और जो वायर्स है बिल्कुल आपको पतली सी मिल जाएंगी नेकबैंड की, और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बड्स, छोटे छोटे आपको बिल्कुल लाइट वेट बड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है ईयर कप्स का वो भी सही लग रहा है, और इसमें आपको प्ले पॉज का स्पेशल फीचर दिया गया है, मैग्नेटिक फीचर दिया गया है। यहाँ पे आप कनेक्शन के बाद सिंपली आप बड्स को अलग कर देंगे तो देख सकते हैं म्यूजिक प्ले हो जाएगा, वापस जोड़ देंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फास्ट तरीके से वर्क करता है, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। किसी का कॉल भी आ रहा है अगर आपको एक्सेप्ट करना है, बड्स को आप अलग कर देंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए बड्स को जोड़ देंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाले फीचर से मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। और यहाँ पे अगर आप सिंपली इसको नेक पे प्लेस करेंगे, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से, आपको सिक्योर होल प्रोवाइड करते हैं कानों में, और ये लाइट वेट नेकबैंड है, इसको आप डेफिनेटली लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे आपके नेक पे सही तरीके से प्लेस हो जाएंगे, बाहर की एक्टिविटीज भी काफी कैंसिल कर रहे हैं, चाहे तो एक्टिविटीज भी करते हैं रनिंग जॉगिंग, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, सिक्योर आपको फिट मिलने वाला है यहाँ पे नेकबैंड के थ्रू। और बटन कंट्रोल्स की बात करेंगे, जो बीच में बटन है उसको अगर आप यहाँ पे सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा, माइनस को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा, प्लस को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, एंड प्लस को लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे जो वॉल्यूम आपकी इंक्रीज होती जाएगी, माइनस को लॉन्ग होल्ड करने से यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। एंड अगर जो लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है RGB लाइट्स जो दी गई हैं, ऊपर एक अलग से बटन दिया गया है, इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे तो लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाएंगी, तो RGB लाइट्स को भी अपने हिसाब से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, बिल्ट इन गेमिंग मोड मिल जाएगा, इसमें आपको डेडिकेटेड मैग्नेटिक प्ले पॉज का फीचर दिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, अगर आप म्यूजिक को 50-60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। फिर यहाँ पे देखा जाए इतने कम प्राइस पॉइंट में इसके जो फीचर्स है उसको लेके कोई कंप्लेंट नहीं की जा सकती, बिल्कुल आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक प्ले पॉज का फीचर दिया गया है, इससे आप आंसर कॉल रिजेक्ट कॉल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, इतने कम बजट में दूसरे नेकबैंड मुझे लगता नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाला फीचर पर्टिकुलरली। और जो बेसिक चीज़ें आपको दी गई है बटन कंट्रोल्स को लेके, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर सपोर्ट नहीं दिया गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही में बॉक्स में मेंशन है डुअल डिवाइस पेयरिंग, वो भी यहाँ पे मिसप्रिंट किया गया है, डुअल डिवाइस पेयरिंग नहीं मिलने वाला, इसमें आपको एक टाइम पे एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, हालांकि ऐसा कोई डेडिकेटेड बटन तो नहीं है गेमिंग को एंटर करने का, इसमें आपको बिल्ट इन लो लेटेंसी मिलने वाली है। अब आप लीजिए गेमिंग टेस्ट, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इससे आपको लेटेंसी कितनी मिलने वाली है।
गेमिंग इसमें आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50-60 मिली सेकंड के आसपास आपको लेटेंसी मिलेगी, बिल्कुल जस्टिफाइड है। जो नाम दिया गया गेमिंग नेक बैंड जस्टिफाई करता है। लेफ्ट का सेपरेशन भी आपको काफी क्लियर मिलने वाला है। लाउड आपको इन ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेमिंग के टाइम पे। अगर आपको एक कम बजट में गेमिंग नेकबैंड चाहिए, अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से गेमिंग करते हैं, इसको आप उस पर्पज के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। गेमिंग पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं। SBC कोडेक का सपोर्ट मिलेगा, AAC कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है और साफ साफ अगर आप 80% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। फुल वॉल्यूम आप अवॉइड कर सकते हैं सुनना, बहुत ज्यादा लाउडनेस दी गई है। और जो डिटेलिंग है बिल्कुल जो परफेक्ट बोलते हैं ना, आपको आउटपुट मिलने वाला है 80% वॉल्यूम पे अगर आप सुनेंगे आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। मुझे ट्रेबल्स को लेके, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को लेके, वोकल्स को लेके दिक्कत नहीं लगी। काफी आप बोल सकते हैं इंप्रेसिव आपको म्यूजिक आउटपुट मिलने वाला है स्नैक बैंड के थ्रू। बेस भी इसमें आप बोल सकते हैं प्रॉपर आपको पंचीनेस मिलने वाली। अगर आप बेस लवर हैं, बेस इसमें आपको काफी तक अच्छे मिलने वाले हैं, बेस को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे कॉलिंग की, एक आउटर कंडीशन की, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए स्नैक बैंड के थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बेबी अभी स्कूल से आई है, उसी को ही मतलब देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, अरे अभी मेरे पास ना इक्वेटर ब्रांड की तरफ से एक गेमिंग नेकबैंड अभी लॉन्च हुए हैं, तो मैं उनसे लगा के अभी तुमसे बात कर रहा हूँ। घर के पास नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ, तो तुम्हें मेरी आवाज कैसी आ रही है? आवाज तो क्लियर है और लाउड भी है, वोकल्स में क्लैरिटी अच्छी खासी है। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ पड़ोस में थोड़ा ढोल बोल चल रहा है, किसी की शादी हो रही है शायद, तो तुम्हें उसकी आवाज आ रही है क्या? नहीं मुझे ऐसे रोज ढोल की आवाज नहीं सुन आ रही है। हाँ अभी आई आई आ रही है, आ रही है। तो कितना परसेंटेज मेरी आवाज पे फोकस बोल सकती हो बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके? हाँ 80% हमारी आवाज पे फोकस है, बाकी 20% जो बैकग्राउंड की एक्टिविटी वो पता चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हाँ बाय। यार कॉलिंग इसमें आपको काफी तक इंप्रेसिव मिलने वाली है। घर के अंदर है तो कोई दिक्कत फेस नहीं होने वाली है। मेनली अगर आप गेमिंग के टाइम में भी अपने फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, इसका माइक्रोफोन सही तरीके से वर्क करता है। आउटडोर कंडीशन में अगर आप है तो 20-25% आप बोल सकते हैं एक्टिविटीज बाहर की कैच कर लेगा, लेकिन आपके आवाज से फोकस रहेगा, वोकल्स काफी इसमें आपको क्लियर सुनाई देंगे सामने वाले को। कॉलिंग भी इसमें आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है। अब हम करेंगे रेटिंग, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। और प्राइस पॉइंट को नजर रखते हम इसकी रेटिंग्स करने वाले हैं 500 रुपए के हिसाब से। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ स्नैक बैंड जस्ट 500 रुपीज। भाई देखा जाए 500 रुपये में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट से, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। जिसके फीचर्स दिए गए हैं बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, आउटपुट भी काफ़ी जस्टिफाई करता है। मेरे हिसाब से थम्स अप है। अगर आपका बजट 500 रुपये के आसपास, आपको गेमिंग नेकबैंड चाहिए, अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस सराउंडिंग, आपको बेस एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छी कॉलिंग चाहिए, बढ़िया गेमिंग चाहिए, और यहाँ पे आपको जो स्पेशल फीचर दिया गया है प्ले पॉज का, ये भी बढ़िया दिया गया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है, ऑप्शन में रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी स्नैक बैंड को लेके। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च इक्वेटर गेमिंग नेक बैंड जस्ट एट 500 रुपीज। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.